हेलो दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक कुमार नाला और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल अड्डा पर। तो जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हैं, हमारा ये वीडियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर है और ये ट्रिग्नोमेट्री सीखने की सीरीज़ में पांचवा वीडियो है। जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो पुराने वो तो जानते ही हैं इसको, और जो नए आए हैं वो पुराने वीडियोज़ को देख लें ट्रिग्नोमेट्री पर, ताकि ये वीडियो भी उनको समझ में आए। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज के टॉपिक पर आते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दो एंगल का समेशन जो है वो अपना क्या है, 90 डिग्री है। मतलब दोनों एंगल को ऐड करके हमें क्या मिल रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, जैसे कि 40 और 50 या 20 70, ये सब एंगल्स क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में जैसा कि हम सब कुछ जो कर रहे थे अभी तक, वो किस पे कर रहे थे, राइट एंगल ट्राइंगल पर। तो देखो, राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल तो 90 डिग्री है और ये दोनों एंगल जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि समेशन क्या था अपना, 180 डिग्री है ट्राइंगल पे। तो अगर मैं इसको थीटा लिखूँ तो इसको 90 डिग्री माइनस थीटा लिखना गलत नहीं होगा, और इसको अपने हाइपोटेनियस डिनोट किया, जिसको एस से हम लोग डिनोट करते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। अब इन दोनों को मैंने पहले वीडियो में भी क्या कहा था, एडजेसेंट साइड। मैंने बार बार कहा था कि हम परपेंडिकुलर और बेस परमिट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जिस एंगल के बारे में बात करना है, हमें हाइपोटेनियस उसके साथ अगर एंगल बना रहा है तो वो हमारा बेस होगा, और बाद वाला जो साइड होगा एडजेसेंट साइड का, वो क्या होगा, अपना परपेंडिकुलर। तो जैसे समझो, मैं यहाँ साइन थीटा लिखता हूँ और इनको चलो आसानी के लिए नाम दे देते हैं, ए बी सी। तो साइन थीटा अपना क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब यहाँ क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ अगर मैं इस थीटा के लिए लूँ तो परपेंडिकुलर मेरा क्या है, ए बी बाय ए सी। लेकिन अगर यहाँ मैं लिखता हूँ cos 90 माइनस थीटा, मेरा यहाँ ध्यान देना, cos 90 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये वाला साइड मेरा क्या हो गया, बेस, और ये मेरा बन जाएगा क्या, परपेंडिकुलर। तो मेरा बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस क्या हो गया, ए बी बाई ए सी। तो ये ए बी बाई ए सी ये भी है, ए बी बाई ए सी ये भी है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, एंड वाइस वर्सा। मतलब कॉस थीटा भी हम इसी तरह से लिख पाएंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब अगर आप टेन थीटा, कॉट थीटा, इन सभी के लिए आप ऐसे ले सकते हो। तो अगर आपको याद रखना हो तो आप देखो, जिसके साथ ये सी लगा हुआ है ना, वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री है। ये साइन थीटा था और ये कोसाइन था, ये साइन ये कोसाइन। ठीक वैसे ही ये टेंजेंट इसके साथ कोटेंजेंट, और जिसका इसके तरफ है तो उस तरफ भी वही होगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा। ये तो सेम रिपीट हो गया, कॉट थीटा इक्वल टू 10 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक इसी तरह से आप कोसेक और सेक के लिए भी ले सकते हो। वहां भी देखो आपका सी वर्ड सेकेंड और कोसेकेंड आ रहा है, सेकेंड sec theta is cosec 90 degree minus theta, और cosec theta आपका क्या होगा, sec 90 degree minus theta। तो यही जो relations है, ये एक दो
तीन चार, ये पांचवा रिलेशन या इसी को बोलो आप, और ये छठा रिलेशन, ये छह रिलेशन ही हमारे काम के हैं, और इसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन। और इसको अगर याद रखना हो तो देखो, साइन के साथ कोसाइन है, टेन के साथ कोटेंजेंट है, और सेक के साथ कोसेक है। या फिर अगर इसको और भी ज़्यादा आपको आसान बनाना है तो आप समझो, पी और बी को रिप्लेस कर दे अगर आपस में तो कौन सा फॉर्मूला, जैसे अगर साइन थीटा के पी के जगह पे आप बी कर देते हो तो कॉस हो जाता है। ठीक ऐसे ही अगर देखो आप सेक थीटा के लिए क्या लिखते थे, एच बाई बी, तो इसके लिए आप क्या करते हो, यहाँ पर जस्ट इस b के जाते आप p लिख दो, और देखो ये h by p किसके लिए होता था, cosec के लिए। तो आप इससे समझ पा रहे हो कि अगर हम p और b को भी रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा। तो चलो इतने में हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या है। अब इनके ऊपर हम आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इसको और ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो ये समझे कि ये इतना ज़्यादा देख के डर नहीं रहा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे है, लेकिन इसको और भी तरीकों से बनाया जाता है, लेकिन आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज़ करो तो देखो ये कितना आसान हो जाता है, आपको इतने साइड्स निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे, दोनों तरीके से सॉल्व करके हम देखेंगे। तो अब ये 12 है, ये 13 है, आप पाइथागोरस से सॉल्व करो तो ये आपको 5 सेंटीमीटर मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, आप बोल भी सकते हो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब यहाँ आते हैं, तो अगर मैं टेन पी लेना चाहता हूँ तो टेन पी इक्वल टू क्या होगा, फिर मैं ये एंगल ले रहा हूँ ना, तो ये अपना बेस और ये अपना परपेंडिकुलर, और होता क्या है टेन थीटा, जल्दी से सोच लो, परपेंडिकुलर बाई बेस यानी क्यू आर बाई पी क्यू। तो क्यू आर क्या हुआ अपना 12, क्यू आर क्या हुआ अपना 5 और पी क्यू 12। ठीक वैसे ही अगर अपने कॉट आर लेते हैं तो क्या बोल सकते हो, कॉट के लिए बेस बाई परपेंडिकुलर। अब बेस कौन सा हुआ, बेस अपना यही हुआ क्योंकि ये एंगल है, हाइपोटेनस जिसके साथ बना रहा हो वो बेस, तो क्यू आर बाई पी क्यू यानी वही 5/12 यानी टेन पी माइनस कॉट आर 5/12 माइनस 5/12, ये ज़्यादा ही समझदार है इसको समझने के लिए, तो ये 0। अब इसी को इतना परिश्रम ना करते हुए आसान भाषा में हम ये भी लिख सकते हैं, ऑल्टरनेटिव मेथड इसका क्या होगा कि P और Q क्या है भाई साहब, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यहाँ देख लो, तो P इज इक्वल टू 90 माइनस Q, टेन पी इज इक्वल टू 10 90 माइनस क्यू, या फिर टेन पी इक्वल टू कॉट क्यू, सॉरी यहाँ Q तो था नहीं, ये R था, चलो R या Q अब जो भी लो, अब जो भी लो, तो टेन पी और कॉट R, तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे, टेन पी माइनस कॉट R, ये क्या हो जाएगा अपना 0। ये समझ में आ रहा है कि P और R क्या था अपना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था, P और R क्या था अपना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो P इक्वल टू क्या 90 माइनस R, 90 डिग्री माइनस R, और tan थीटा क्या ले सकते हैं हम, tan 90 माइनस R, और फिर tan P इक्वल टू cot R हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस 0। तो आप जैसे चाहो बना सकते हो। इसके बाद और एक हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के प्रॉब्लम लेके सम बनाएंगे, और उसके बाद फिर हम जाएंगे स्टैंडर्ड एंगल्स पे। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पे जो नए हैं इसको सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।